नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। चीन इन दिनों बौखलाया हुआ है, भारत को धमकियां भी दे रहा है। आज वेब वार्ता में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, चीन की धमकियां मोदी ट्रंप मुलाकात की बौखलाहट तो नहीं है? बहुत सारी बातों की बौखलाहट है। चीन लगातार ये कोशिश करता रहा है कि किसी तरीके से भारत की जमीन पर कब्जा करे, उसको पीछे धकेले, और निश्चित तौर पर अगर अमेरिका और भारत के बीच में दोस्ती बढ़ती है तो ये चीन के लिए तकलीफ वाली बात है, क्योंकि ट्रंप से वैसे ही चीन के रिश्ते बहुत मधुर नहीं हो पा रहे हैं। और इस बीच अगर भारत और अमेरिका की दोस्ती परवान चढ़ती है तो चीन के लिए ये तकलीफ देह होगा ही। लेकिन ये चीन ने जो अभी ताजा हरकत की है भूटान से लगी सीमा पर, जमीन उस जमीन पर उसकी बहुत लंबे समय से नजर है। दरअसल आप उस नक्शे को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि भारत और भूटान के बीच में एक हिस्सा है। उस हिस्से पर अगर चीन का कब्जा हो जाता है तो भूटान और भारत दोनों तक ही उसकी सड़क मार्ग से पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। रसद लाना हो या युद्ध के समय कोई रणनीतिक कदम उठाना हो तो चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो उस हिस्से पर बहुत लंबे अरसे से चीन अपनी निगाह गड़ाए हुए था और उसने इस मौके का उपयोग किया है कि वो इस घात लगाकर इस जमीन को अपने कब्जे में ले ले। रक्षा मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि अब 62 वाला भारत नहीं है, जबकि असम के राज्यपाल कहते हैं कि भारत चीन से डरता है। देखिए, असम के राज्यपाल का जो बयान है वो तो निश्चित ही दुखद है और बहुत ही अफसोस है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया, क्योंकि भारत की अब डरने वाली कोई स्थिति नहीं है। दरअसल 62 के युद्ध में भी आप देखें तो भारत डरा नहीं था, लेकिन भारत इसका राजनीतिक और कूटनीतिक हल ढूंढने के चक्कर में पिछड़ गया। उस वक्त पूरी की पूरी कमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, कौल साहब थे, और इन लोगों ने मिलकर सोचा था कि किसी भी तरीके से हम संयुक्त राष्ट्र में इस मसले को उठाकर चीन को चुप करा लेंगे, जो कि उनकी बहुत गलत सोच थी। तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बीच में चीन ने जो पीठ में छुरा घोंपा था, उस विश्वासघात से ही पंडित नेहरू उबर नहीं पाए थे। उस वक्त जो सेना की स्थिति थी बहुत कमजोर थी, बहुत कमजोर मनोबल था। सेना के जो अध्यक्ष थे उनकी भी केवल उपलब्धि ये थी कि पंडित नेहरू के वो करीबी थे, उनके पास कोई सेना का और रणनीतिक कौशल का कोई अनुभव नहीं था। हमारे पास सैनिकों के साजो सामान नहीं थे, उस वक्त हमारी वायुसेना का उपयोग ही हम नहीं कर पाए थे। उसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने जब जहां जितना संघर्ष हुआ उन्होंने किया था, इसी नाथुला पर संघर्ष हुआ था। लेकिन इसी नाथुला पर लोगों को यह याद होना चाहिए कि 67 में फिर संघर्ष हुआ था 62 के बाद, और 67 वाले संघर्ष में चीन जो है वो जीत नहीं पाया था। चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने में या रोके रखने में हमारे सैनिक कामयाब हुए थे। या 62 के युद्ध की भी हम बात करते हैं, जेटली ने कहा 62 वाला नहीं है, ठीक है 62 में हम लोग कमजोर पड़ गए थे, 62 में हमको करारी हार का मुंह देखना पड़ा था, हमारे लिए आज भी वो अपमान का घूंट है जो हमें पीना पड़ता है। लेकिन 62 में भी मेजर शैतान सिंह जैसे साहसिक योद्धा हुए थे जिन्होंने कई कई चीनी सैनिकों को एक साथ ढेर किया था और अपने मोर्चे को अंतिम सांस तक संभाल कर रखा था। तो भारतीय सेना की बहादुरी जो है उसके किस्से आज भी कायम है। 62 एक बहुत दुखद स्थिति थी जहां पर हमारे पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, वो सोच नहीं थी जो जमीन पर सैनिकों के हाथ मजबूत कर सकते, उनके पास साजो सामान नहीं था, उनके पास आगे बढ़कर लड़ने के लिए आदेश समय पर नहीं पहुंच रहे थे, रसद समय पर नहीं पहुंच रही थी, और चीनी सेना ने हमारी इस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया था। 62 की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संसद में यह बयान दिया था कि उस जमीन पर घास का एक तिनका नहीं उगता तो उसके लिए हम क्यों संघर्ष करें। अब वो सोच नहीं है, अब हम एक एक इंच जमीन के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। हमने हाल के जो वीडियो देखे हैं उसमें तो रक्षा मंत्री अरुण जेटली का जो बयान है वो ज्यादा मुफीद है, राज्यपाल का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अरुण जेटली अगर कहते हैं कि 62 वाला भारत नहीं तो बिल्कुल सही कहते हैं। पिछले 50-55 सालों में हिंदुस्तान ने जो आर्थिक मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर तरक्की की है, जिस तरह का कौशल हमारे सैनिकों के पास है उन्होंने बाद के तमाम युद्धों में दिखाया, करगिल युद्ध ताजा उदाहरण है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ को रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए भारतीय सेना जिस तरीके से कमर कसे हुए है, सीज फायर का उल्लंघन करने वाली पाकिस्तान की सेना का जिस तरह से हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, वही यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि 62 वाला भारत अब ये नहीं है, ये धमकियों से डरने वाला भारत नहीं है, पीछे हटने वाला भारत नहीं है। और दूसरा, अब हम किसी खुशफहमी में नहीं जी रहे कि चीन हमारा दोस्त है। वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे का जो अपमान चीन ने किया था उससे चीन को खुद की असलियत सामने आ गई है, तो अब चीन पर हम भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कुल मिलाकर यह है जेटली जी का। यद्यपि चीन ने नाथुला मार्ग से मानसरोवर यात्रा रोक दी है, क्यों नहीं हमें भी चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। और चीन ने हमारे बाजार में जिस तरीके की घुसपैठ की है, जिस तरीके से लघु और कुटीर उद्योग को हमारे बर्बाद किया है, वहां पर से सस्ता सामान जो बड़ी मात्रा में वो बनाते हैं वो हिंदुस्तान के बाजार में जिस तरह से उन्होंने भेजा है, बाजारों को पाट दिया है, और जो चीज हमारे यहाँ 40-50 रुपए 60 रुपए में तक मिल पाती थी बाजार में, उसे 10-15 रुपए में बना सकने की जो उन्होंने कौशल हासिल कर लिया, उससे हमारे बाजार में बहुत घुसपैठ हुई है चीनी सामान की। और चीन अगर उसके पास जो तरीका है वो उसको अपनाने में एक कदम भी नहीं हिचकता
सकता। देखिए हमारी ये मजबूरी है कि हमारे लिए कैलाश मानसरोवर एक बहुत पाक पवित्र स्थान है और लोग वहां पर पर्यटन करने नहीं आस्था से जाते हैं, हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और चीन इस बात को जानता है कि वो हमारी कमजोर नब्ज है क्योंकि हम हमारी आस्था से बंधे हुए हैं, तो वो तुरंत उस नाथुला के रास्ते को बंद कर देता है क्योंकि उसके पास वो चाबी है। हमारे पास ये चाबी होनी चाहिए कि हम तुरंत चीनी सामान का बहिष्कार कर दें। हम चीनी सामान को अगर नहीं खरीदेंगे तो जिस तरह की अर्थव्यवस्था पर चोट चीन के, हालांकि इसमें एक पेचीदगी ये जरूर है कि हमारे व्यापारी वहां से जब सामान खरीद के ले आते हैं तो दाव पर उनका पैसा लगा होता है, चीन का नहीं। तो मेरी ये अपील उन व्यापारियों से रहेगी कि अगर हम कुछ समय तक भारत का ही सामान खरीदें, चीन का सामान नहीं खरीदें, तो निश्चित तौर पर चीन के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। हमारी जनता भी व्यापारियों को यह संदेश पहुंचा दे कि चीन से लाया हुआ सामान आप मत लीजिए, हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन चीन का, चीन के व्यापारियों का नुकसान जरूर हम करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इस तरह के रणनीतिक कदम उठाने में कोई गलती नहीं है, कोई खामी नहीं है, क्योंकि चीन उसके पास जो हथियार है, रणनीतिक हथियार है, कूटनीतिक हथियार है, उसको अपनाने में एक पल भी नहीं हिचकता। ऐसा नहीं लगता कि चीनी आक्रामकता के जवाब में भारत को भी आक्रामक अपनाना चाहिए? देखिए भारत आक्रमण रूप अपना रहा है, भारत डर नहीं रहा, लेकिन पूरी तरीके से भारत, भारतीय सेना आक्रमण कर दे या भारतीय सेना भी कब्जे वाली नीति अपना ले वो संभव नहीं है। आज की जो विश्व परिस्थितियां हैं उसमें देखते हुए भारत चीन पर कब्जा तो नहीं कर सकता, लेकिन चीन को अपने घुसने से रोक सकता, वो हम कर रहे हैं। हमको ये भी समझना पड़ेगा चीन कितना ही आक्रामक हो, खूंखार नजर आए, उसकी सैन्य ताकत बड़ी नजर आए, लेकिन वियतनाम के सामने भी उसको मुंह की खानी पड़ी थी, उसको कदम पीछे हटाने पड़े थे। तो एक छोटा देश भी अगर चीन को इस तरह का सबक दे सकता है तो भारत भी दे सकता है। भारत को जितना आक्रामक होना चाहिए मुझे लगता है अभी हम कोशिश उतना ही आक्रामक होने की, और भूटान वाला तो और सामरिक महत्व भी है, क्योंकि अगर भूटान छोटा राष्ट्र है वो इस तरीके से चीन के सामने नहीं लड़ सकता, नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन इसमें हमारा हित है। अगर हम उस जमीन पर कब्जा हो जाने देंगे तो आने वाले समय पर निश्चित ही उसके कदम हमारी सिक्किम की जमीन पर तेजी से बढ़ेंगे। धन्यवाद यदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भारत चीन सीमा विवाद की, अगली बार फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।